स्कूल या कॉलेज की कैंटीन में ये आलू पफ आपका पक्का फेवरेट होता होगा, बट आज इसे हम घर पर बनाएंगे। फर्स्टली एक पैन में ऑयल गरम करके उसमें लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, करी लीव्स, हींग को भून लेंगे। नेक्स्ट हम इसमें बॉईल किए हुए हरा मटर, प्याज को ऐड करके 5-6 मिनट तक कुक कर लेंगे। और इसमें थोड़े ड्राई स्पाइसेस जैसे नमक, हल्दी, धनिया जीरा पाउडर, लाल मिर्च, चाट मसाला को ऐड करके मिक्स कर लेंगे। इसमें बॉईल किए हुए आलू को ऐड कर लेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हरा धनिया को ऐड कर लेंगे, तो ये हमारी आलू पफ की स्टफिंग रेडी है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर रेडीमेड पफ पेस्ट्री शीट ली है, इसमें हम आलू की स्टफिंग को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसे हम बीच में से क्लोज कर लेंगे ताकि साइड से भी हमारे आलू क्रिस्पी हो जाए। और ये दोनों पफ हमारे रेडी है, तो इसमें ऊपर से मिल्क और ब्लैक कलर के तिल को ऐड कर लेंगे और इसे 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए एयर फ्राई कर लेंगे। मुझे तो ये आलू पफ पर्सनली जब गर्म होता है तो इसमें चीज ऐड करके खाने में बड़ा मजा आता है। तो आप भी ये सिंपल एंड डिलीशियस रेसिपी को ट्राई करें और अपने स्कूल और कॉलेज की याद को ताज़ा करें।